हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको आपकी फ्रेंड, आपके फेवरेट भगवान गणपति महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गणेश जी और खीर। ठीक है, एक बार गणेश जी बैठे थे और बैठे बैठे उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये सप्त भक्त जो है मेरी कितनी पूजा करते हैं, तो चलो आज हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो धरती पर जाते हैं और एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध लेते हैं और चुटकी में चावल लेते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो सारे जो लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं कि इतने से दूध में और इतने से चावल में कोई खीर बनती है भला, जाओ जाओ हम नहीं बनाएंगे। तो वो चलते चलते एक बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं और बूढ़ी अम्मा को उसको देख के दया आ जाती है और वो उसे बोलती है, ला बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ, लाओ बेटा मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तो वो बच्चा बोलता है, आप मेरे लिए बनाएंगी? तो बोलती है हाँ। तो बोले ठीक है। तो फिर वो एक चम्मच दूध और चुटकी पर चावल लेकर जाते हैं और अपने बर्तन में उसको डाल देती है, पका दी है। पर ये क्या पूरा बर्तन भर जाता है? तो वो उसको बोलती है, बेटा ये तो भर गया। तो वो बच्चा उसको बोलते है, माँ जितने भी बर्तन है ना सबने उसको खाली कर दो। तो ऐसे करके सारे बर्तन खीर से फुल भर जाते हैं। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? तो वो बच्चा बोलता है कि माँ आप पूरे गाँव को खिलाओ, उन सबको बुलाओ खीर पे। तो बूढ़ी अम्मा जाती है और सभी गाँव वालों को न्योता दे के आती है कि तुम सब मेरे घर खीर खाने आओ। तो जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे ना बच्चे का, वो भी बोलते चलो चलो देखते हैं इसने खीर बनाई भी है या नहीं बनाई है। तो सब आते हैं उसके घर पे, पर पीछे से क्या होता है, वो बूढ़ी अम्मा तो चली जाती है, पीछे से उनकी एक बहू होती है, वो देखती है कि मम्मी तो सबको खाना खीर पे न्योता देने गई है, सब खीर खा के खत्म कर देंगे, तो इससे तो अच्छा है मैं फटाफट खा लूं। तो वे कटोरी में खीर लेके और खा लेती है और साफ बर्तन साफ करके रख देती है उसी टाइम। तो सब जने आते हैं, सब खीर खाते हैं, सब गांव पूरा गांव खा लेता है खीर और वो लोग चले जाते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा बोलती है, चलो बेटा अब हम खीर खाते हैं। पर वो तो गणेश जी थे, बच्चे का रूप धारण करके आए थे ना नीचे। तो वो बोलते नहीं नहीं माँ मैंने तो खीर खा ली। वो बोलते कैसे खा ली, कब खाई, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। तो वो बोलता है कि माँ आपकी बहू ने खा ली थी तो समझो मैंने खा ली। तो गणेश जी सोचती है कि क्या बोल रहा है, फिर उसको ध्यान आता है। तो वो बोलती है, बेटा तू कहीं गणेश जी तो नहीं है ना? तो बोलता है, वो ये बोलते ही वो बच्चा गणेश जी का पूरा बड़ा रूप धारण कर लेता है और वो बोलता है, हाँ माँ मैं गणेश जी ही हूँ, मैं झूठा नहीं खाता। ऐसा कहके वो चले जाते हैं और जो बूढ़ी अम्मा थी उसको बहुत सारा धन रिद्धि सिद्धि बहुत बड़ा मकान सब कुछ देकर जाते हैं। और जिस तरीके से गणेश जी भगवान ने उस बूढ़ी अम्मा की रक्षा की, उनकी मदद की, उनकी सहायता की, वैसे ही हम सब की करना। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बताओ? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हम घर में जब भी कुछ मीठा बनाएं तो सबसे पहले भगवान जी को गणपति महाराज को भोग लगाएं और फिर हम खुद खाएं। धन्यवाद।